पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ से बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी ने जो भी मतलब सुविधाएं गरीबों के लिए कही थी, क्या अभी तक पूरी हुई हैं? आप लोगों को तो पता होगा, आप गांव से हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मोदी जी ने जो भी सुविधाएं कहा कि साहब मैं जब अभी सरकार में आ जाऊंगा, प्रधानमंत्री जब बन जाऊंगा, हमारे लोग जब सरकार में आ जाएंगे, फुल फ्लेजर सरकार यहाँ के जनताओं ने बनाया, और जनता के द्वारा बनने के बाद इनके अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि मैं जो इलेक्शन के समय में कहा था सब जुमला था, और इतना ही नहीं अब दिख रही है, कम से कम इतना मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहार में 2,35,000 रसोईया बहन है, उनके परिवार के 4 ही हिस्सा मान लिया जाए तो 12,00,000 वोट जो इनके द्वारा इनको मिल सकता है। आज के दिन मैं श्यामा प्रसाद तिवारी, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट का बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी अच्छे दिन लाओ, अपना अच्छा दिन इस बार बनाओ, नहीं तो बुरा दिन तुम्हारा आएगा, हम लोग को तो अच्छा दिन आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी आवे कि आम आदमी आवे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आवे कि राजद आवे कि जुलमी सिंह आ जाए, लेकिन मोदी जी आपका नाम तो बदनाम हो जाएगा। अपने नाम को बदनाम मत करो, राम का नाम लेते हो अपनी बदनामी मत करो, तुमको हनुमान जी का बेटा समझ के लाए थे, और तुम तो सुग्रीव से भी बदतर निकल गया, रावण पुत्र तो तुम हो नहीं, अगर वो भी बन जाते तो कम से कम बेटा तो अच्छे बाप का कहलाते। सर ये जो सरकार है आपकी मांगे पूरी नहीं करेगी जैसे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर यह सरकार हमारी मांग को नहीं पूरा करेगा तो मैं सरकार का अभी आंदोलन को इतना तेज कर दूंगा कि मोदी सरकार बहुत सच्ची है, इसका उदाहरण मैं दे दूंगा, और यह उदाहरण पूरे देश में जनता फैलाएगी, हमारे रसोईया फैलाएगी, हमारे राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट के जितने भी नेता हैं, क्योंकि हमारा संगठन भारत वर्ष में आज 8 स्टेट में है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, बिहार में है, और इतना ही नहीं कुछ बंगाल में भी हूँ, और गुजरात में भी मोदी जी का हूँ। इस बढ़ते मोदी जी की ऐसी तैसी मैं कर दूंगा ताकि उनको याद रहेगा कि जंतर मंतर पर एक आदमी आया था जो बिहार का रहने वाला, भारत देश का रहने वाला श्यामा प्रसाद तिवारी, मुझे चैलेंज किया था जंतर मंतर पर, दिल्ली में चैलेंज किया था, मोदी जी अगर इस गरीब का नहीं सुनोगे ना तो निश्चित रूप से आपको यह अनुसूचित जाति जनजाति और गरीब जो ये गरीब परिवार है जो भूखे मर रही है, तुम पर कभी अच्छी ख्याल इनकी नहीं रहेगी, और बार बार तुमको कहता हूँ कि कम से कम अभी भी मोदी समझ जाओ, तुमको जेटली, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह, ये सभी आदमी, राजनाथ सिंह बोले थे कि मैं इसका निश्चित रूप से बढ़ा दूंगा, राजनाथ सिंह को मैं कहना चाहता हूं कि अभी वो गृह मंत्री हैं, वो बिहार में ही रहेंगे, देश के नेता ही रहेंगे, लेकिन उनके नाम पर ये रसोईया थूक फेंकेगी क्या उनको भी अच्छा लगेगा? इसलिए रसोईया बहनों को निश्चित रूप से आज 10,000 रुपया इनको मिलना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। पत्र में बैठे हैं उनको ज्ञापन तो सौंप लें, और उनको उन्होंने पकड़ के रख लिया है। अरे ज्ञापन देने वाले को भी पकड़ा जाता है क्या? ऐसा कोई संविधान में अंकित है क्या? अभी भी इमीडिएट उनको 10 मिनट के अंदर अगर नहीं छोड़ेंगे तो मैं सारे रसोईया को लेके, चाहे इसका जो भी रिजल्ट होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय पर मैं पहुँचूंगा। 10 मिनट का समय मैं उनको देता हूँ, जंतर मंतर पर मैं बैठा हूँ, और इस बात का पूरे देश के जनता को कहता हूँ कि जो ज्ञापन देने वाला जाएगा उसको प्रधानमंत्री के कार्यालय में पकड़ लेगा क्या? थैंक यू सर, धन्यवाद।